ये पानीपत है राइट, जा रहे हैं कहाँ, चंडीगढ़ की ओर। शिमला एंट्री गेट, अरे वेलकम टू हिमाचल भैया। अरे सुंदर है यार। गुड मॉर्निंग गाइज, ये हमारा डे 8 है। हमने गिरडी में दिल्ली में 2 दिन स्टे किया था, नोएडा में। अभी हम लोग निकल चुके हैं शिमला की ओर, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। अभी जो हम ड्राइव कर रहे हैं ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, सबसे पॉपुलर 14 लेन का है। अभी सब कंस्ट्रक्शन और भी जगह चल रहा है, हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 तो देख पा रहे हैं। माय गॉड, ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि इतना पोल्यूशन है, आप देख सकते हैं बाहर। तो दिल वालों की दिल्ली है और दिल होना भी चाहिए यहाँ पे इतना धुआं सूखने के लिए, अदरवाइज बीमारी भी हो सकती है। तो अभी हम लोग एक्सप्रेसवे पे ड्राइव कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है एकदम। ये सब एक्सप्रेसवे है जहाँ आप अपने जो भी गाड़ी लेकर आ रहे हैं उसकी हाई स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि हमको पता है अपना हाई स्पीड, तो हम आराम से 100 पे चल रहे हैं। ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है जिसका मैक्सिमम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर है। इसके पहले जितने दो हमने एक्सप्रेसवे पर ड्राइव किया, एक यमुना एक्सप्रेसवे, एक और लखनऊ आगरा, उसकी लिमिट थी 100 किलोमीटर पर आवर। हालांकि हम लोग उतना ही चल रहे हैं, 120 हो या 150 लिमिट हो। देखिए लिखा हुआ, ड्राइव डोंट फ्लाई, दिस इज़ वेरी मच ट्रू। अब गाड़ी को चलाएं, उड़ाएं नहीं, नहीं तो आप उड़ जाओगे। इसलिए मैंने बोला कि हम 100-120 मेंटेन किए हुए, हम ड्राइव कर रहे हैं, फ्लाई नहीं कर रहे हैं। पानीपत अंबाला, पानीपत है राइट, जा रहे हैं कहाँ, चंडीगढ़ की ओर। यहाँ पे लड़ाई बहुत लड़ाई यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ा जा चुका है हमारे हिस्ट्री में, पानीपत का बहुत सारे लड़ाई हुआ था। तो ये पूरा एरिया पानीपत का है, हम लोग उसको क्रॉस कर रहे हैं, साथ में बैरिकेड साइड में लगा हुआ है ताकि वो कोई इन नहीं कर सके हाईवे पे एक्सप्रेस वे की तरह। गुड आफ्टरनून गाइज, इट्स 2:30 नाउ एंड वी आर क्रॉसिंग चंडीगढ़। एक्चुअली चंडीगढ़ ये सेंटर नहीं है, मतलब सिटी का सेंटर नहीं है, एक्सटीरियर है, बाहर से निकल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली सिटी में जाएंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा होगी, तो ये बाहर से ही सजेस्ट कर रहा है गूगल मैप। एंड अब ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, 104 किलोमीटर्स दिखा रहा है शिमला, तो हिमाचल का बॉर्डर भी आएगा। एंड विल सी अभी क्या होता है, कुछ दिक्कत तो नहीं होती एंट्री में क्योंकि पास हमारा अभी अप्रूव हो नहीं पाया अच्छे से, अभी पेंडिंग में ही है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी सामने यहाँ से थोड़ा थोड़ा मुझे माउंटेन दिखने लगा है वीडियो में, आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल और नॉट, बट आप देख सकते हो उस एरिया में पूरा माउंटेन्स है, हिमालयाज के ही होंगे माउंटेन्स। तो क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, 100 किलोमीटर है शिमला, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ 40-50 किलोमीटर में माउंटेन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये चंडीगढ़ वगैरह क्रॉस कर चुके हैं और कुछ देखो सीन, देखो मज़ा आने लगा है। घुसने देगा कि नहीं बॉर्डर पे पता नहीं, लेकिन मज़ा तो ले रहे हैं, कम से कम घुसेंगे आज नहीं तो कल। तो देखिए, ये पंजाब नहीं, हरियाणा ही है, ये स्टेट हरियाणा ही कहलाता है, पंचकुला से आगे शिमला की ओर। तो आओ कभी इधर, मज़ा आएगा, देखो पूरा एकदम इधर वादियाँ कैसे हैं। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो पूरा सीन बाकी है, मेन सीन जो है जिसके लिए हाँ इतना दूर। अरे वेलकम टू हिमाचल भैया, देख रहे हैं पहाड़ सामने, फॉगी माउंटेन्स, ब्यूटीफुल हिल्स एंड अमेजिंग रोड। माउंटेन्स पे ऐसा रोड कहीं नहीं मिलेगा, देख लो इधर देखो, वाह। वेलकम टू हिमालयाज। Oh,
शिमला एंट्री गेट, हिमाचल का एंट्री गेट हुआ है जैसा प्यार हुआ है। ये गाना इस जगह के लिए skin you can see it beat intoxicating your energy first time in so long you felt the heat evaporating your bindings move like the sunlight darkness can't hold you here bold and bright push through the atmosphere this is your dawn this is your break move like the sunlight darkness can't hold But there are days you feel freedom too.